काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, विलंब बहुत हुआ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं था, मैं समय पर चला, लेकिन बीच में जब कोई रोकते प्यार मोहब्बत में तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये प्रत्याशी के सामने मजबूरी भी होती है। बहुत सारी बातें हमारे सम्मानित साथियों ने आपके सामने रखी है, मेरे बारे में बता, मुझे नहीं भरोसा था ये काम होने जा रहा है। ये बात सत्य है कि मैंने सन 1980 में श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में मुझे बैठने का मेरठ में अवसर प्राप्त हो गया। मैं मेरठ पुलिस का विद्यार्थी था उस समय, और माया त्यागी कांड में मैं एक बार जेल जा चुका था, मुझे पता नहीं था जेल में सब जा रहे, मैं भी चला गया था उस समय जवान। तो मैंने जब उनको करीब से देखा, उनके व्यक्तित्व को, तो मन में ये ठान लिया कि इनकी विचारधाराओं पर काम करना है और समाज के लिए समर्पित भाव के भाव से अपने जीवन को यही लगाना है। सियासी फकीर है ये अखबार में लिख दिया। जिस दिन मुझे प्रत्याशी बनाया तो जब मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा है सियासी फकीर है, लेकिन मेरे पास जो मोहब्बत है आप लोगों की, समाज की, नौजवान की, व्यापारी की, जो प्यार है मेरे पास, मुझसे बड़ी दौलत किसी के पास है नहीं, बहुत बड़ी दौलत है। ये बात तो सत्य है, मेरे पास है नहीं पैसा, चुनाव है अभी, प्रमोद जी व्यापार संघ के हैं, अपनी बात कह भी रहे थे, चुनाव में पैसा खर्च होता है। और बहुत सारे साथी हमारे मंच पर कहते हैं भाई चुनाव तो पैसे से लड़ा जा, देखो मेरे पास है नहीं, अगर चुनाव लड़ाने के लिए आप मांगोगे तो मुझे कहीं से मांगना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मांगोगे तो मुझे वोटों की जरूरत, नोटों की जरूरत नहीं, मुझे वोटों की जरूरत है, बस वोट दो, नोटों को जरूरत, नोट मेरे किस काम का।